गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है TIP। TIP की फुल फॉर्म होती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो क्रिमिनल पार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जहाँ पर अपराध होता है, TIP एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। TIP को भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस का सेक्शन 9 कवर करता है, जहाँ पर TIP की इम्पोर्टेंस को और उसको डिफाइन किया गया है कि किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन किसी भी अपराध के होने को प्रूव करने में या डिस्प्रूव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। TIP क्या है और क्या इसकी एविडेंस की वैल्यू है, इसी को जानने के लिए हम एक बहुत अच्छा केस डिस्कस करते हैं कि TIP क्या है। जब भी कोई अपराध होता है और कोई भी अक्यूज्ड कोई भी अपराध करता है और उस अपराध को होते हुए जब कोई विटनेस देखता है, तो उस विटनेस के वो आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा जाता है, TIP करने के लिए कहा जाता है। मगर TIP तभी होती है जब उस विटनेस ने उस अपराधी को पहले से ना जानता हो या पहले कभी ना देखा हो। वो अपराधी उसका पड़ोसी, उसका दोस्त, उसका मित्र, उसका कलीग नहीं होना चाहिए, नहीं तो TIP नहीं हो सकती है, पहला काम। और दूसरा काम, जिस दिन अपराध घटित हुआ था तब से लेकर TIP तक उस विटनेस ने उस अपराधी को दोबारा ना देखा हो। यदि वहां पर उसने उसको दोबारा देख लिया तो TIP का कोई मतलब नहीं रह जाता। और नेक्स्ट बात, क्या TIP साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में क्या एविडेंस की वैल्यू है, क्या इसका साक्षिक मूल्य है, क्या ये सब एक्सटेंसिव एविडेंस है या ये कोरोबरेटिव एविडेंस है या इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, TIP एक कोरोबरेटिव एविडेंस है, सब इंस्टेंशियल एविडेंस नहीं है। सब इंस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, ये कोरोबरेटिव सब इंस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, ये कोरोबरेटिव एविडेंस है। यानी ये कोरोबरेशन के लिए काम में लिया जा सकता है, ये पुष्टि के लिए काम में लिया जा सकता है, इसको कोरोबरेशन के द्वारा काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या जो TIP है वो पुलिस के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका CRPC का सेक्शन 162 इसको प्रोहिबिट करता है, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान नेचुरल है, कंट्राडिक्ट तो कर सकता है लेकिन कोरोबरेटिव नहीं कर सकता। तो TIP उसी तरीके का सेम एक तरीके का बयान है, क्योंकि पुलिस के सामने जो TIP किया गया उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई भी उसकी एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। TIP जो है मजिस्ट्रेट के सामने की जा सकती है, कॉमन पर्सन के सामने की जा सकती है। इसी चीज पर प्रकाश डालने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस ले रहे हैं। केस का नाम है उदय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। बहुत अच्छा केस है। इस केस में होता क्या है कि यहाँ पर TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवा दी जाती है पुलिस के सामने। पहली जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो पुलिस के सामने करवा दी जाती है, उसके बाद एक दूसरी TIP करवाई जाती है, वो मजिस्ट्रेट के सामने करवाई जाती है, बाकायदा प्रोसीजर को यूज करते हुए करवाई जाती है, प्रोसीजर के तहत करवाई जाती है, प्रोसीजर को यूज करते हुए करवाई जाती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दो तरह की TIP पैदा हुई, दो तरह की TIP करवाई गई। फर्स्ट डन बाय द पुलिस इन फ्रंट ऑफ द पुलिस एंड सेकंड इन फ्रंट ऑफ ए मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि या दोनों TIP की एविडेंसरी वैल्यू है, या दोनों की एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, या बाद वाले की एविडेंसरी वैल्यू है जो मजिस्ट्रेट के सामने करवाई गई उसकी एविडेंसरी कोई वैल्यू है। तो बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, एविडेंस का एक टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पर जो बाद वाली जो TIP करवाई गई उसकी भी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है और पहले जो TIP करवाई गई उसकी भी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है, मजिस्ट्रेट के सामने जब आपने करवा दी तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू होनी चाहिए ना, यही तो आपके TIP का एसेंशियल एलिमेंट है। तो नेचुरल सी बात है, लेकिन एक इस क्वेश्चन पर प्रकाश डालने से पहले एक बैरिकेड हो रहे TIP, तो ये तक विटनेस ने एक्यूज्ड को दोबारा ना देखा हो, फर्स्ट टाइम देखा था तभी तो TIP हो रही है, दोबारा ना देखा हो तभी तो TIP होगी। यदि उसने उसको पहली बार देखा वो तो क्राइम करते हुए देखा, वो तो खेल ही खत्म, वो तो काम ही खत्म। अब TIP आइडेंटिफिकेशन परेड है, वो दोबारा उसने देख लिया, पुलिस के सामने उसको बता दिया, तो यहाँ पर जो TIP का सबसे एसेंशियल फैक्ट है कि दोबारा ना देखा हो, कब से कब तक, क्राइम सीन से लेकर वहां तक जहां तक आपकी TIP होती है,
यहाँ पर जब आपकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो गई तो फिर दोबारा उसने दोबारा आप मजिस्ट्रेट के सामने करवा रहे हो, तो टीआईपी की जो एसेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पर फेल हो गई। तो इस केस में उदय कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये जो टीआईपी है पहली और दूसरी इसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू रही नहीं गई, ये तो जीरो पर आ गई वापस, इसका कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई, इसको साक्ष्य के बतौर काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो टीआईपी करवाई गई वो कंप्लीटली फेल होती है। उसको दोबारा यदि वो करवाते हैं तो नेचुरल है वो इसकी शर्तों को इसकी कंडीशंस को वॉयलेट करती हैं, तो वो टीआईपी वैसे बेकार हो गई। अब ये करोबरेटिव एविडेंस कैसे होता है वो देखिए, फर्स्ट टाइम जब प्रोसीजर के थ्रू टीआईपी करवा दी गई तो नेचुरल है वो कंप्लीट हो गई विद कंडीशन विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन वो कंप्लीट हो गई। अब ये करोबरेटिव कैसे हुई, यहाँ पर टीआईपी क्यों करवाई जाती है, सपोज कोई भी विटनेस अपनी मेमोरी जो उसकी मेमोरी में रहती है शुरू शुरू में वो बहुत फ्रेश रहती है, हो सकता है ट्रायल में 3 साल 2 साल 1 साल कितना भी टाइम लग जाए, तो नेचुरल टीआईपी शुरू में करवा ली जाती है, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे करवा ली जाती है ताकि वहां पर प्रूव करने में आसानी रहे। जब ट्रायल होता है उसी विटनेस को उसी एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए दोबारा बुलाया जाता है, यदि वो विटनेस उस एक्यूज्ड को कोर्ट में आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये टीआईपी की एविडेंसरी वैल्यू होगी, निश्चित रूप से होगी, और बाय चांस बाय लक ड्यू टू द यू कैन से पॉज ऑफ टाइम ड्यू टू द लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रायल यदि वो विटनेस कोर्ट में उस अक्यूज को पहचानने में आइडेंटिफाई करने में असफल हो जाता है तो आपके पहले टीआईपी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी, चाहे वो विद प्रोसीजर की गई है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इसने वहां पहचान लिया था और दोबारा नहीं पहचाना तो कंप्लीट दिस सिचुएशन इज बैक टू द स्क्वायर वन, इसका कोई भी साक्षिक मूल्य नहीं होगा, कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी, इस बात को दिमाग में डिफाइन कर लीजिए। तो आज हमारा डिस्कशन पॉइंट था टीआईपी क्या होती है, कौन से सेक्शन में कवर होती है, कौन सा केस लो डिस्कस किया गया, क्यों किया गया, यदि इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, ये करोबरेटिव एविडेंस है या ये सबस्टेंशियल एविडेंस है या ये कंट्राडिक्टरी एविडेंस है, इसके बारे में आपको पूर्णतः एनालाइज करना है। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, पसंद नहीं भी आया हो तो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं ताकि हम मोटिवेट हों और हम अच्छा वर्क कर सकें और लीगल फील्ड के लिए एज ए डिफेंस लॉयर एज ए प्रोसिक्यूशन लॉयर एज ए मजिस्ट्रेट हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आए ताकि आप अपने भविष्य को 4 चांद लगा सकें, आप अपने भविष्य को जैनित को ऊंचाइयों पर छू सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं, थैंक यू वेरी मच।